आज 134वां स्थापना दिवस है कांग्रेस पार्टी का। आज ही के दिन 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, स्थापना हुई, और जिस कांग्रेस पार्टी का 134 साल इतिहास है, आज़ादी की जंग लड़ी, अंग्रेजों के एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य जो होता है उसके खिलाफ जंग लड़के कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद किया और आज़ादी के बाद इस देश का निर्माण किया, और इस देश की आज जो बुलंदियों पर देश भारत पहुंचा है उसमें कांग्रेस पार्टी का इतिहास है और कांग्रेस पार्टी ही बुनियादे हैं, और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बहुत बड़े बड़े लोगों ने, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने किया और कई साल जेलों में रह के इस देश को आज़ाद करवाया, और इस देश की आज़ादी का जो सारा श्रेय है वो कांग्रेस पार्टी और उसके तंजीम के लोगों का है कि जिन्होंने इतनी बड़ी साम्राज्य के खिलाफ जंग लड़ी और एक नॉन वायलेंस के बुनियाद पे इस देश को आज़ाद कराया, और एक गरीब देश जो उस वक्त आज़ाद हुआ था, उस वक्त के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगी सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और बड़े बाकी नेता जितने थे, उन्होंने मिल करके इस देश का निर्माण किया कि आज भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों में, विश्व में माना जाता है और एक अमन का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी सारी नीतियाँ और बुनियादी जो असूल हैं इंडियन डेमोक्रेसी के देश के, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं, उसी पे चल करके हम समझते हैं कि भारत का गौरव है, और कांग्रेस पार्टी का इतिहास और भारत का इतिहास जो है वो अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि उसी इतिहास के साथ जो है वो देश का इतिहास जुड़ा है, और आज तक जो देश का निर्माण हुआ उसमें बहुत सारा काम जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही है, और आज हम समझते हैं कि हमें गौरव है अपने देश पे भी, हमें गौरव है कि हम इस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। हर कार्यकर्ता को आज गर्व है, हम तमाम जो है कार्यकर्ताओं को आज के दिन मुबारकबाद देते हैं। यहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर पे पूरे देश में आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं और स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है।